शरीफगढ़ का बदमाश कैंडी बाबा एक बार फिर अंबाला पुलिस की गिरफ्त में है, जिस पर बलदेव नगर थाने में दो ठगी के मामले दर्ज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस 3 दिन के रिमांड में कैंडी बाबा कई नए राज उगलेगा। आपको बता दें कि ये वही कैंडी बाबा है जो लोगों को सस्ता सोना दिलाने के एवज में उनसे भारी रकम ऐंठता था। शरीफगढ़ के राजेश उर्फ कैंडी बाबा को एक बार फिर से अंबाला पुलिस 3 दिन के रिमांड पर लाई है, जिस पर अंबाला के बलदेव नगर थाने में ठगी के 2 मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर कैंडी बाबा से एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ में कई तरह के राज खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस पर जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जो इस मामले की जाँच करेगी, जबकि कुछ मामलों की जाँच कुरुक्षेत्र CIA2 को सौंपी गई है। FIR नंबर है 322 बलदेव नगर थाने की, पिछले साल 2019 की है, जिसके ऊपर प्रोडक्शन में लेके आए हैं, उसको भी 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। इसमें कंप्लेनेंट जो है वो कैथल निवासी हैं, जो कि इसमें भरत धुल जी हैं। इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी कि इनको लालच देकर जो है राजेश उर्फ कैंडी जो है, इन्होंने इस भरोसे से किया था कि सस्ते दाम पर इनको सोना देंगे, जिसकी एवज में इनसे पैसे लिए गए। इनको सोना दिया भी नहीं गया और इनको 2 चेक दिए गए थे, जो 2 चेक दिए गए थे बाद में, ये जो 2 चेक इन्होंने लगाए वो बाद में आके बाउंस हो गए थे, वो इनसफिशेंसी ऑफ फंड्स था। तो इसके ऊपर ये जो है जो कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज की गई है और इसमें भी पूछताछ जारी है कि जो इसमें जितनी भी है जो भी है इसमें रिकवरी हो सके। इससे पहले के भी कई केसेस हैं, जैसे इसमें SIT बनी हुई है, 2 केसेस अंबाला के बलदेव नगर के ही हैं और 2 केसेस जो हैं कुरुक्षेत्र के ही हैं, जिसमें मेरी अध्यक्षता में ही एक SIT बनाई गई है। तो उसमें भी सामने यही आया कि ठगी के जो मामले हैं, लेकिन इस केस में जो चेक बाउंस हुए हुए हैं तो कहीं ना कहीं से प्रमाण भी है कि जो है इसमें कहीं ठगी का जो इन्होंने जो जाल बुना था कि लोगों को अपने इसमें कर लेते थे कि सस्ते दाम पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। तो इसमें कोशिश पूरी हमें कि इसमें जो भी रिकवरी हो सके। जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पे, साथ ही हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने फोन पर जानने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज ऐप।